वर्तमान सरकार द्वारा भले ही 3 तलाक के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी है। ऐसा ही एक प्रकरण तब देखने को मिला जब ससुराल पक्ष से पीड़ित रेहाना पत्नी गुफरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। गौरतलब है कि अजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुसड़ी गांव की रहने वाली पीड़िता रेहाना ने बताया कि आए दिन उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि छुट्टी पर आए पीड़िता के पति ने भी अपने परिवार के साथ उसे मारा पीटा और उसके बेटे को छीन लिया, जिसके बाद उसके पति ने भी उसे 3 बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने जिसकी सूचना स्थानीय थाने में भी दी। थकार कर पीड़िता SP दरबार पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। क्या नाम है आपका? रियाना। कहाँ रहने वाली? मोहनपुर दौलत। क्या है समस्या यहाँ? यहाँ आए कि जबरदस्ती घर में हला के 3 दाई तिलाक बोल के मम्मा मार के बाहर निकाल दे, लड़का छोड़ लेंगे हमारा आपने। ये सब मैं कोर्ट मरीज करा ले। हाँ, जबरदस्ती क्यों? कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं। क्या चाहती हैं आप? आप चाहती हूँ जेल में जाए, जब ले हम जीत तब ले साहब वो जेल में रहे।